गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर बुक बिहाइव फॉर क्लास नाइन्थ। वी आर रीडिंग फोर्थ लेसन, ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, रिलेटेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन। वी हैव कम्प्लीटेड हाफ पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। दिस इज योर फोर्थ लेसन, ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। आई टोल्ड यू about Albert Einstein, about his biography, and we are going to start the next part of this lesson from here. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute indeed. कहने का अभिप्राय है 1905 में प्रसिद्ध पत्रों ने, यानी कि समाचार पत्रों में, आइंस्टीन के इस मुख्य सिद्धांत को, जो सापेक्षता से रिलेटेड था, उसको अखबारों में स्थान मिला। टू विच टाइम एंड डिस्टेंस, जो समय और दूरी के बारे में बात करता है, समय और दूरी के बारे में बताता है कि इनका आपस में क्या संबंध है। इंडीड टू perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. उनका कहना है कि जो पूरी तरह से perfect हैं, ऐसी दो घड़ियां अगर हम एक साथ एक समय निर्धारित करके उनको किसी यात्रा पर भेजें, तो if they come together again after a journey, और उस यात्रा के बाद लौटे, तो if one of them has been moving very fast, उन घड़ियों में से एक तेज चल रही होगी, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की अपेक्षा। रीजन, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इसी सिद्धांत पर उन्होंने पूरे विश्व को एक सूत्र दिया, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और ये जो सूत्र है, द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंध को अभिव्यक्त करता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वैन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, इट सीम्स लाइक 2 minutes। उनका कहना है, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए, तो वे आपको 2 मिनट जैसे लगेंगे। वेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, यदि आप एक गर्म स्टोव के पास 2 घंटे बैठेंगे, 2 मिनट बैठेंगे, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो आपको वे 2 घंटों के समान प्रतीत होंगे। दैट इज रिलेटिविटी। तो यही उन्होंने सापेक्षता के नियम को निर्धारित करते हुए अपनी बात कही, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जिस समय आइंस्टीन अपनी इस कठिन समस्या को भौतिक विज्ञान में हल करने का प्रयास कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनकी व्यक्तिगत जो लाइफ थी, जीवन था, वो असहज हो चला था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। आइंस्टीन चाहते थे कि वे अपनी इस पढ़ाई को समाप्त करके मैरी मिलेवा के साथ शादी कर लें, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता इसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वे सोचती थी मिलेवा, जो उसके पुत्र से 3 वर्ष अधिक बड़ी है, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए अधिक बड़ी मानी जाती है। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता को लेकर परेशान थी। सी इज ए बुक लाइक यू, वह तुम्हारे लिए एक बुक के समान है, हिज मदर सेड। आइंस्टीन की माँ ने ये बात कही, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस तरह से आइंस्टीन की शादी का जो विचार था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है, अर्थात उसको टाल दिया जाता है।
द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। अंत में इस जोड़े ने 1903 में विवाह किया एंड हैड टू सन्स, इनके दो पुत्र हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही द मैरिज फ्लैटर्ड, ये शादी आगे चल नहीं सकी, इसमें व्यवधान आ गया। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा एक बौद्धिक महत्वाकांक्षा जो अपने अंदर सजोई बैठी थी उससे नाखुश रहने लगी, एक नाखुश बीवी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी आफ्टर इयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और इस तरह का द्वंद लगातार चलता रहा। द कपल फाइनली डिस्कवर्ड इन 1919, और इस तरह से इस जोड़े ने 1919 में आइंस्टीन तलाक ले लिया, और आइंस्टीन ने मैरिड हिज कजन, अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली जिसका नाम एल्जा था, द सेम ईयर उसी वर्ष। नेक्स्ट 12 पार्ट, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। जिस तरह से संसार में आइंस्टीन की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी उसी तरह से उसके व्यक्तिगत जीवन में भी एक अनुरूपता आती जा रही थी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को, जो कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, उसको एक जर्नल में प्रकाशित किया। जर्नल ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो विशेष विषय से संबंधित एक निश्चित अवधि के बाद ही प्रकाशित होते हैं, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एंड एकेलेप्सी ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। यह सूर्य ग्रहण जो है वो 1919 में जो हुआ उसमें उसकी जो गणना थी वो सही साबित हुई। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविएशंस फील्ड। और इस तरह से जो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है वो प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, और समाचार पत्रों ने भी उनकी इस क्रांति के कार्य को, जो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई थी, उसको अपने समाचार पत्रों में स्थान देकर और बढ़ावा दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में एक नोबेल प्राइज है उससे सम्मानित किया गया। ही वाज शॉर्ड विद ऑनर्ड एंड इन्विटेशंस फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से उनके ऊपर सम्मान की बौछार होने लगी और उन्हें संसार के अन्य देशों के द्वारा निमंत्रण भी मिलने लगे, एंड लोडेड बाय द प्रेस, और इस तरह से अखबारों में पत्रकारों के द्वारा उनकी प्रशंसा भी की जाने लगी। वैन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी, जर्मनी में नाजिस जब सत्ता में आए 1933 में, तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन ने स्थानांतरण कर लिया अमेरिका के लिए, अर्थात वो अमेरिका चले गए। फाइव ईयर्स लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन एंड अमेरिकन फिजिस्ट्स वर इन एन अनरोयर। कहने का अभिप्राय है पांच वर्षों के बाद जब उन्होंने न्यूक्लियर की खोज की बर्लिन में, तो जो अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे वे असहज हो गए, अर्थात उनके लिए चिंता का कारण बन गया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, कुछ तो फासिज्म के डर की वजह से चले गए जस्ट एज आइंस्टीन, इसमें आइंस्टीन भी थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन
एटॉमिक बम। अब उन्हें इस बात का डर लगने लगा था कि नाजिस अब इस पर कोई ना कोई बम तैयार करेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलिग, अपने एक सहकर्मी की प्रार्थना पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा, जिनका नाम फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनको एक पत्र लिखा, कब? ऑन 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वॉर्न्ड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, एक बंदरगाह को ध्वस्त कर सकता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने ये भी बताया कि उस क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों को जो वहां पर रह रहे हैं और संपत्ति को यह बम पूरी तरह से प्रभावित करेगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके शब्द निष्फल नहीं हुए और ऐसा ही हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिका ने एक रहस्यमय ढंग से एक प्रोजेक्ट पर काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने बम तैयार किया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने ये दोनों बम जापान में के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर अगस्त 1945 में दाग दिए और वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जन धन हर प्रकार से वह देश बहुत पीछे चला गया, लेकिन संघर्ष करते हुए वह देश आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस महाविनाश ने आइंस्टीन को अंदर तक हिला दिया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र यूनाइटेड नेशंस के नाम लिखा, इन इट ही प्रोसीड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट का गठन करने का प्रस्ताव रखा, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई असर नहीं पड़ा, अर्थात रूजवेल्ट इस पत्र से प्रभावित नहीं हुए। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं था, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले एक दशक, डिकेड कहते हैं 10 वर्ष के समय को, तो कहते हैं अगले दशक में आइंस्टीन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, अत्यधिक रूप से राजनीति से जुड़ गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उनकी समाप्ति के बारे में अभियान चलाते हुए शस्त्रों के निर्माण और उनके प्रयोग की समाप्ति पर एक अभियान चला, एजिटेशन चला उन्होंने, और प्रयास किया कि यह समाप्त हो। इसमें उन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई कि वे एक शांति की व्यवस्था को बना सकें, एक लोकतंत्र को बना सकें, इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 1955 में जब 76 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन का देहावसान हुआ। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, उनको पूरे विश्व के द्वारा एक दूरदृष्टा और संसार का नागरिक, न कि एक देश का नागरिक, संसार के नागरिक के रूप में याद किया गया, अभूतपूर्व बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में, अभूतपूर्व वैज्ञानिक के रूप में। लेकिन प्रश्न ये आता है, यदि आइंस्टीन ने ये सब आविष्कार किए, उससे पहले भारत के लोगों को कैसे पता चला कि पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है और चंद्रमा पृथ्वी का, और किस तरह से ये ग्रहण होते हैं, इस पर किसने खोज की थी,
इसका वर्णन किसी पुस्तक में नहीं किया गया, न ही हमें पढ़ाया गया, तो हम कैसे कह सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन इतने विद्वान थे कि भारत में उनके कोई बराबर था नहीं। तो खैर ये विषय अन्य समय पर लिया जाएगा, लेकिन जैसा इस पाठ में दिया गया ये एक उपलब्धि थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसकी हमने इसमें चर्चा की। इससे पहले भी बहुत वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अन्य विषयों पर अपनी खोज की और उन पर चैप्टर लिखे गए। दुख का विषय है कि भारतीय वैज्ञानिकों पर किसी प्रकार के कोई चैप्टर्स नहीं लिखे गए और न ही उनके बारे में विस्तार से हमारी जनरेशन को कुछ बताया गया। खैर आज इतना ही, हम कल इसके पैसेज क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग सभी भेजेंगे, आप उन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।